Hello students, I am back with my session number 5 of chapter number 4, the nervous system. Kids, in today's session, I am going to explain you all the things about student's book. Right? मैं आपको students book के अंदर जो कोई भी exercise है, in today's session, I am going to explain that. क्या explain करूंगी? True or false, जो है page number 226, blanks, page number 228, matches, page number 228, true or false, page number 229, choose the correct answer, page number 229, short question answer, page number 229 and brief answer that is also in page number 229. So kids, open your students book page number 226. First of all, I am going to explain you all the things of true or false, right? Write T for true and F for false. कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? टी. अगर कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? एफ. सो लेट्स बिगिन दैट. पेज नंबर 226, नंबर 1. द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ब्रेन है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है? नो, राइट? तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? F. Now, number 2. The cerebrum is the largest part of the brain. Brain के अंदर जो cerebrum है, वो largest part है brain का? Yes, that is the largest part of the brain. And what we are going to write? T. Right? Write down T. Number 3. The brain stem controls the sense organs. ब्रेन स्टेम सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? एफ. ओके, राइट डाउन एफ. नाउ नंबर 4. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड है वो थिक बंडल है नर्व्स का उसके पास? दीदी ने बोला था, राइट? है ना? ओके, देन राइट डाउन टी. नाउ नेक्स्ट नंबर 5. रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहा है? नो, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा है. तो व्हाट वी आर सपोज टू राइट? टी या एफ? एफ, राइट? राइट डाउन एफ. डन. नाउ किड्स, फ्लिप द पेज, ओपन पेज नंबर 228. इन 228 वी आर गोइंग टू सॉल्व ब्लैंक्स. चलो, नंबर 1. एट द सेंटर ऑफ द इरेज इज एन ओपनिंग कॉल्ड द ब्लैंक. इरिस के अंदर जो स्मॉल ओपनिंग होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया या प्यूपिल? लास्ट सेशन में बोला था ना, क्या बोला था द किड्स दीदी ने? प्यूपिल. यस, इफ यू सेड प्यूपिल देन योर आंसर इज करेक्ट. राइट डाउन प्यूपिल. नाउ नंबर 2. The light sensitive lining inside the eye is called the blank. वो जो sensitive red color की बोला था दीदी ने कि ये वाला part है वो बहुत ही sensitive होता है eye का, उस part को क्या बोलेंगे? Retina या iris? याद आया? Retina, right? Retina के ऊपर आप tick भी करोगे और blank के अंदर आप retina लिखोगे भी. Done? Now, number 3. The visible part of the ear is called the blank. हमें जो ये visible part है ear का, हम उसको क्या बोलेंगे?
इनर ईयर मतलब इनर अंदर की बाजू, मतलब इनर ईयर या आउटर ईयर, आउटर मतलब आउटसाइड से मतलब बाहर की बाजू, तो ये विजिबल दिख रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनर ईयर या आउटर ईयर? यस इट्स अ आउटर ईयर, राइट? राइट डाउन आउटर ईयर और उसके ऊपर टिक भी करो. चलो नेक्स्ट नंबर 4. द ब्लैंक फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी. हमारा आउटर लेयर बॉडी का कोई कौन सा है, स्किन का या फिर ईयर का? फुल बॉडी का पूछा है कोई, तो फिर किसी के दिमाग में आएगा दीदी ये भी आउटर है, बट ये हमें फुल बॉडी का बोलना है, तो क्या आएगा आंसर? स्किन, राइट? तो स्किन के ऊपर टिक भी करो और ब्लैंक के अंदर लिखोगे भी स्किन. डन. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैचेस सेम पेज पे है, नीचे 228 पे. कॉलम ए है और कॉलम बी है. कॉलम ए में है सेरेब्रम, ब्रेनस्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, स्किन. कॉलम बी में है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, थिक बंडल ऑफ नर्व्स, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी and it lies beneath the cerebellum. So kids, column A में A, cerebrum. तो cerebrum क्या है, क्या है kids? options में से देखो, इसमें देखना नहीं है, ये भले आंसर के साथ हो पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कॉन्सेंट्रेशन करना है. cerebrum है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो आप ए के सामने नंबर 3 पे विद द हेल्प ऑफ स्केल आप उसको मैच करोगे. किसके? विद द हेल्प ऑफ स्केल, ए को नंबर 3 के साथ. ओके. नाउ ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम किसके नीचे होता है? मिला ऑप्शन, यस नंबर 5. इट लाइज बीनेथ द सेरेबेलम. ब्रेन स्टेम में वो एकदम उसके नीचे होता है, राइट? सो आप बी को नंबर 5 के साथ मैच करोगे विथ द हेल्प ऑफ स्केल. नंबर 3, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? थिक बंडल ऑफ नर्व्स, राइट? स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? थिक बंडल ऑफ नर्व्स. तो सी को नंबर 2 के साथ आप मैच करोगे. नाउ डी, रिफ्लेक्स एक्शन. इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का कौन सा एग्जांपल है? कौन सा है किड्स? यस इट्स अ ब्लिंकिंग ऑफ आईज. हम आईज को ये करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लिंकिंग ऑफ आईज. अचानक से ब्रेन ने कमांड दिया, उससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का एक्शन हमारे पे हो जाता है, राइट? तो नंबर डी को हम नंबर 1 के साथ मैच करेंगे. नाउ लास्ट वन ई, स्किन. तो लास्ट वन ही बचा है, राइट? तो स्किन के सामने क्या है? द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी. बॉडी का आउटर लेयर किसका होता है? स्किन का, राइट? सो मैच इट ई विथ नंबर 4. डन किड्स. अब मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, तो आपका होमवर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रू और फॉल्स, दैट इज इन पेज नंबर 229. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्लियर? उसमें ए, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आर बॉडी. ये चैप्टर का क्या नाम है? द नर्वस सिस्टम. सबसे पहले वाला स्टेटमेंट दीदी ने क्या बोला था कि नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट डाउन टी. नाउ बी, the brain knows the cardiac muscles from the nervous system.
ब्रेन नर्व्स और कार्डियक मसल्स वो नर्वस सिस्टम के पार्ट है? नहीं है? देन राइट डाउन एफ. नाउ सी, सेरेब्रम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. सेरेब्रम है वो कनेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन के साथ कनेक्ट होके स्पाइनल कॉर्ड पे आता है? नो, नहीं. तो राइट डाउन एफ. नाउ डी, द स्पाइनल कॉर्ड सराउंड्स द बैकबोन. मतलब बैकबोन के सराउंडिंग्स में है स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड सराउंड्स द बैकबोन. स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के आजू बाजू में फुल में कवर्ड है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. राइट डाउन एफ. लास्ट वन ई, द रिफ्लेक्स एक्शन इज द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ चेंज इन द सराउंडिंग्स. हमारे सराउंडिंग्स में आजू बाजू में कोई भी चेंज हो रहा है, अचानक से शार्प चीज़ को टच करना, गर्म चीज़ को टच करना, अचानक से हमारे आइज में बहुत ही लाइट आ जाना, तभी आइज का ब्लिंक करना, ये एकदम इमीडिएट एक्शन है, राइट? तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? Yes, this statement is absolutely correct. Then write down T. Chalo kids, here we completed our true or false of page number 229. Now next question. Choose the correct answer. हमें चार option दिए गए हैं, उनमें से correct वाला answer हमें select करना है. A. Controls the functions of our sense organs. हमारे sense organs के functions को कौन control करता है? Cerebrum, cerebellum, brainstem, या none of this. None of this मतलब इनमें से कोई भी नहीं, but है, इनमें से कोई तो है. क्या है? Number one, cerebrum, right? Cerebrum controls all the organs of all the sense organs, right? तो one के ऊपर आप tick करोगे, right का mark करोगे. Now B, controls the working of the muscles. Muscles के work को कौन control करता है? Cerebrum, cerebellum, brainstem, या none of this? Yes, it's a cerebellum. सेरेबेलम हमारे जो वर्किंग मसल्स है उसको इजीली कंट्रोल करते हैं. तो प्लीज टिक ऑन नंबर टू. नाउ सी, द ब्रेन स्टेम लाइज बिनथ. अभी आया था, ब्रेन स्टेम किसके नीचे होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, या नन ऑफ दिस? यस, वो सेरेबेलम के नीचे होता है. तो प्लीज टिक ऑन नंबर टू. नाउ डी, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस. वन, फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. टू, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. थ्री, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन. या फोर, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेंस ऑर्गन्स. कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? सेंसरी नर्व्स कहां तक मैसेजेस कैरी करती है? नंबर टू, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? सो इजी. नाउ ई, अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, सेरेबेलम, या बैकबोन? Yes, it's a bundle आते हैं nose का, तो सबको पता चल गया ना. अभी तो common ही answer आएगा. क्या आएगा? Spinal cord, right? Now kids, here we completed our student book exercise, right? Now you have to write down short question answer and brief question answer in your CW. Questions हम textbook में से देखेंगे और उसके साथ हम answers भी लिखेंगे, okay? चलो, answer the following questions in one or two sentences. Vocabulary words, फिर meanings,
फिर न्यू पेज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने हैं. ओके विथ गुड हैंड राइटिंग. नंबर वन, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हमें यहाँ पे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर, पहले तो बताओ कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. 3, 4, 5, 6, कितने? 3, राइट. विच आर दे? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, राइट. जिसने भी अपने आप आंसर बोला, एक्सीलेंट किड्स. नाउ नंबर टू, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लंगेटा. What is medulla oblongata? Medulla oblongata is the other name of brainstem. Okay? Now, number 3. What is a reflex action? Reflex action kya hai? Sabko pata hai ki koi bhi cheez sharp, garam, thandi ho, jisse hamar body ko harm hone wala hai, brain command de, usse pehle hum हाथ ले लेते हैं, या तो फिर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, भागी जाए छी, लाइट आवे छे तो आँख ब्लिंक करी दईए छे. तो आ बधु शू छे? रिफ्लेक्स एक्शन छे. तो आंसर बोलू, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ चेंज इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर किड्स? नाउ नंबर 4, name the 3 types of nerves. Bahut easy hai. The 3 types of nerves are motor nerves, sensory nerves and mixed nerves. Bhuli gaya tha? You forgot? Chalo once more, once again we are going to repeat. Motor nerves, sensory nerves and mixed nerves. Clear? Now last question, question number 5, name the sense organs in our body. Hume kitne sense organs, how many sense organs we have? We have 5 sense organs. Which are they? Eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sense organs. Kon kon se? Eyes, ears, nose, tongue, skin. These are our 5 sense organs. Clear? So kids, here we completed our short question answer. Now let's begin answer in brief. Number 1. Describe the parts of the brain. Yahan pe hume ब्रेन के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है. हमने शॉर्ट आंसर में पढ़ा ना कितने पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स होते हैं. विच आर दे? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, राइट. तो उसको हमें डेप्थ में एक्सप्लेन करना है. द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. या तो यू कैन राइट मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा. ओके, नंबर 1, सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. नाउ सेरेबेलम. इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम. इट मेनली कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द मसल्स. नाउ लास्ट 1, ब्रेन स्टेम या तो फिर मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा. It is also called brainstem. It lies beneath the cerebellum. It connects the brain to the spinal cord. It controls the heartbeat and breathing. It controls the heartbeat and breathing. Okay? Now, number 2. Write a note on reflex action. यहाँ पे हमें reflex action के ऊपर note लिखनी है. बहुत ही इजी है. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन ऑफ द वेज बाय विच द बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम हार्म. दिस एक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एंड इज डन विदाउट एन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन.
For example, when your hand comes in contact with something very sharp, the hand pulls away instantly and automatically even before the brain realizes the danger. This automatic response of the body to an action is called the reflex action. It is controlled by the spinal cord. Other examples of reflex actions are blinking of eyes, sneezing and salivating. Now, number 3. Describe the structures of the eye and the ear. यहाँ पे हमें eyes और ears के structure को describe करना है. Structure of the eye. A thin transparent layer covers the front part of the eye. It is called the cornea. The round colored part of the eye located behind the cornea is called the iris. At the end of the iris is an opening called the pupil. Light enters the eye through the pupil. A lens located just behind the pupil helps to focus the light. Light passing through the lens falls on the lining called the retina, which is sensitive to the light. The retina sends messages to the optic nerve, which carries the messages to the brain, and we got the messages. Now, structure of the ear. The visible part of the ear is called the outer ear. The outer ear receives sound. Sound travels through the outer ear and falls on the eardrum. The inner ear transforms the sound into a nerve signal, which is sent to the brain via nerves. So here we completed our answer number 3. Now number 4. Write a note on nose. The nose has a pair of openings called the nostrils. These are lined with the fine hair and mucus that help the trap dust and dirt from the air that we take in. Each nostril leads into a cavity called the nasal cavity. Cells in the nasal cavity are sensitive to smells. These cells are connected to nerves that send messages to the brain to identify different smells. Clear, kids? I hope so you understand all the things. Now last question. Question number 5. What would happen if our body did not perform reflex actions? Give reason to support your answer. Reflex action agar hamare body mein perform nahi karega to kya hoga? Hum garam garam cheez ko touch karenge aur body ne कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो क्या करोगे? हमारा हाथ चल जाएगा, राइट? तो हमें ये लिखना है. एक्शंस लाइक टचिंग अ हॉट पैन और फायर रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स. इफ नॉट वी वुड इंजर आवरसेल्व्स बैडली. अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम अपने आप को इंजर्ड बहुत ही खराब तरह से कर लेंगे. If a stone or insect is coming towards our eyes blink automatically through reflex action. कोई भी मच्छर मक्खी हमारे आजू बाजू आती है, राइट? तो उस वजह से हम क्या कर देते हैं, हमारे आईज को क्लोज कर देते हैं. अदरवाइज क्या होगा? अंदर चला जाएगा, राइट? तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होना बहुत ही जरूरी होता है. So kids, here we completed our textbook exercise also. Clear kids? Try to write down all the things in the same day. अब एक दिन में ही ये short question answer और long question answer खत्म कर दोगे तो आपका काम easy हो जाएगा. आपका कोई भी work pending रहेगा नहीं और आपको दिमाग में कुछ भी याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि ये करना है, okay? So try to complete all the CW. Sorry, all the CW exercise in your CW, okay? With good handwriting. आप अच्छे good handwriting में से लिखोगे, okay? So kids, हम next session में I am going to explain you new chapter, health and hygiene. मैं आपको next session में new chapter explain करूँगी, health and hygiene. Okay kids? So, till next session kids,
Bye.